वुमेन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मीरा रोड में 11वीं स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश भर से उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वुमेन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वालिया ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम में धर्म गुरु देवेंद्र भाई जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर देवेंद्र गुरु जी ने जहां एक ओर हाजी शेख और राजेंद्र वालिया को आशीर्वाद दिया, वहीं दूसरी ओर लोगों से उनके इस कार्य से जुड़ने की अपील भी की। इस मौके पर हाजी शेख ने अपनी सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया, उन्हें इसी तरह लोगों की सेवा करने की सलाह दी। इस मौके पर टोल फ्री नंबर भी जारी की गई, जिसकी सहायता से लोगों की मदद की जा सके, साथ ही उन्हें जानकारी भी प्राप्त कराई जा सके। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पहले सबसे पहले मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जो 11 वर्ष मतलब 11 वर्ष का स्थापना दिवस है और ये 11 सालों से लगातार समाज के सभी को साथ लेकर और समाज के जो कुरीतियाँ हैं उन पे काम करता है। शायद भारत की ऐसी पहली लौती संस्था है जो इन सबको वसुधैव कुटुंबकम का और जियो जिनेदो के संदेश को लेके साथ चलने वाला है और भारत की सभी संप्रदाय के कोई भी लोगों बिना किसी भेदभाव के ये संस्था निरंतर काम करती है। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे कई वर्षों से इस संस्था में आने का अवसर मिला है और आज भी इस संस्था का 11वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो हमारे हाजी भाई हैं इसके संस्थापक हैं और हमारे राजेंद्र वालिया जी जो आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये निरंतर समाज में किस तरह से एक सौहार्द लाए जाएं, समाज में किस तरह से जो एक जातिवाद है पंथवाद है इसको कैसे हम जो मनमुटाव एक दूसरे पे पनप रहा है इसको कैसे दूर किया जाए और कैसे समाज में जो कुरीतियाँ को ख़त्म किया जाए, ये कई वर्षों से इस पर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे खुशी ये जानकर बहुत है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ इससे जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को कि वो निरंतर इसमें अपना पूरा सहयोग दें और ह्यूमन राइट काउंसिल के जो सिद्धांत हैं जो रूल्स हैं उनको आगे बढ़ाएं और सभी में प्रेम और एकता का संदेश से घुल मिलकर इसको आगे निरंतर बढ़ाते रहें। आज ग्लोबल पीस समिट की आज देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जरूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत हमेशा से एक लौता देश है दुनिया में जो भाईचारे की ह्यूमन वर्ल्ड पीस की और वसुधैव कुटुंबकम का बात करती है, जियो जिनेदो की बात करती है। आज ग्लोबल पीस समिट की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि आज उन देशों को ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, आज देश में तमाम हिंसा की कगार पर खड़ा है और हिंसा इतनी प्रचुर मात्रा में है कि एक दूसरों की मानवीयता की हत्या हो रही है। आज इसकी ज़रूरत पूरे देश में इसीलिए ज़रूरत है और ऐसे कार्यक्रम जिसमें एक वर्ल्ड पीस के लिए मैसेज जाता है और उस पर लोग प्रेरित होकर उस पर काम करते हैं और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं और ये ज़रूरत मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है। इस पर काम करना चाहिए और
जो लोगों में एक बदलाव ला सकता है। हमारे ह्यूमन राइट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हमारे हाजी भाई हाजी शेख जी और हमारे उसके सह संस्थापक हैं राजेंद्र बालिया साहब एक देश के अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आर्मी में ऑफिसर रहे हैं बड़े और सेवाएं दे चुके हैं। अब सेवाएं वो एक सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं और सैनिक का एक कर्तव्य होता है कि उन्होंने पूरा अपना जीवन उस देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपना उन्होंने दिया है और उससे निवृत्त होके अब देश में समाज के लिए जो एकता और सही मायनों में जो सेवा दे रहे हैं बहुत ही उम्दा बात है। और मैं विगत कई वर्षों से जानता हूँ, मैं कई वर्षों से संपर्क में हूँ और बहुत ही जेन्यून, मतलब इनको कोई भीड़ भाड़ से या कोई राजनीति करने से वो नहीं है, अपना काम करना है, सामाजिक काम कैसे करना है ये बहुत खूबी से निभा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से हमारे राजेंद्र बालिया जी और हाजी शेख काम करते हैं, बहुत उम्दा है और इस तरह से कार्य होते रहे। मैं दोनों को, हमारे आदरणीय राजेंद्र बालिया साहब को और हाजी भाई को, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से ये जो कार्य कर रहे हैं, जो मानवता की जो मिसाल कायम कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। यही कार्य जो एक दिन आपको और संस्था को भारत और दुनिया से जोड़ने का काम करेगा। देखिए, नमस्कार पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया से पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जैसे आर्मी भी ज्वाइन किया हूँ, आर्मी से फिर आने के बाद मैं बहुत सारे सोशल संगठनों में भी काम करता हूँ, पुणे में मैं रहता हूँ। लेकिन 8 सालों से जब मैं हाजी शेख सर से जुड़ा हूँ और मैंने इनके अंदर जो जुनून देखा और जो उनके काम करने की जो क्षमता है और जो लोगों के लिए काम करने का उनके मन में है कि उनको न्याय कैसे दिलाना है, उनको कैसे उनको मदद करना है, ये सब बातें बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो देख के मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हूँ है इस बात की कि आज अगर इस संस्था के साथ जुड़ के शुरुआत एक, मेरे ख्याल ये जितने हम पत्रकार लोग खड़े हैं इतने ही लोगों से फर्स्ट जो फाउंडेशन डे था ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का मनाया था और आज 11वां फाउंडेशन जो डे है, आपको आप खुद प्रेजेंट हैं यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे देश से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरे जितने भी हमारे भारत के स्टेट हैं सभी स्टेट के लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ आए हैं। उन लोगों से कल से हमारी मुलाकात हो रही है, उन लोगों को इस संस्था का कार्य देख के और प्रेरित हुए हैं। कई लोगों ने हमें बोला है कि सर हमारी और भी टीम बहुत सारी तैयार है जो कि और आगे काम करना चाहती है। तो ये हाजी शेख सर ने जो ये समिट का जो आयोजन हर साल करते हैं इसमें एक ही प्लस पॉइंट है कि लोगों को ज़्यादा इसमें जानकारी मिलती है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं। अभी ये पूरे देश में जब जाएंगे वहाँ जाके ये सब चीज़ बताएंगे तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, वो ज्वाइन करेंगे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया को। और हाजी शेख साहब ने कभी भी पैसे की भी बहुत दिक्कत आती है, उन्होंने तन मन धन से सेवा की। देखिए आज संस्था के अंदर 11 साल काम करना कोई छोटा मायने नहीं रखता। आज छोटा सा भी घर में कार्यक्रम एक साल किए तो दूसरे साल विचार करना पड़ता है कि ये कार्यक्रम कैसे किया जाए। उन्होंने कैसा भी करके कुछ भी करके ये 11 साल बहुत अच्छे धूमधाम से और लोगों को साथ में जोड़ने से उनको गाइडलाइन दे के बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया परिवार जो है आगे बहुत सालों में वर्षों तक ये चलेगा और बहुत सारे लोग जो है हमारी संस्था के साथ जुड़ेंगे। और आज हमारे धर्मगुरु जी, मैं पिछले 5 सालों से देवेंद्र जी को देख रहा हूँ, ऐसे धर्मगुरु हमारे
संस्था के ऊपर उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, जो कि कंटिन्यू कैसे भी बिजी शेड्यूल हो यहाँ पे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस संस्था का जो काम है वो खाली एक मानवाधिकारों का उल्लंघन को बचाना, उनको न्याय देना है, साथ में ये जो धर्म जातिवाद चल रहा है उसको एकजुट जोड़ने का भी बहुत बड़ा काम है। इसीलिए उन्होंने सर्वधर्म लोग जो हैं इस संस्था के अंदर लिए हुए, हाजी शेख साहब मुस्लिम समाज से है, मैं भी वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, मैं सिख समाज से हूँ, ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट नेशनल है, ये कलकत्ता से है, हिंदू है, ब्राह्मण है, सभी समाज को साथ में लेने के लेके काम करते हैं। इसमें एक आज जो देश का वातावरण है उसके अंदर आज इसकी बहुत गरज है, और ये यही दर्शाता है कि इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत डिफरेंट काम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका भी गुरुजी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया आगे बहुत तरक्की से करे, आगे बढ़े, ऐसी हम शुभकामना भी देते हैं। और आप पत्रकार लोगों का, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, हाजी शेख साहब जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से, सभी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आप हमारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में आज फाउंडेशन डे पे अपनी हाजिरी लगाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज 11वां फाउंडेशन दिवस है और बड़े संख्या में लोग जो आपके कार्यकर्ता है, आपके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस खुशी की बात है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया आज लगभग 11 साल से काम कर रही है और देश के अंदर ऐसी एक सामाजिक संस्था होगी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो नंबर वन संस्था ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तौर पे काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स का जो मेन मोटो है लोगों की मदद करने का, इसके वजह से आज हम लोग 11 साल तक यहाँ पे टिके और इतने बड़े विशाल आकार का हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आज काम कर रहा है। अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन की, तो अभी फिलहाल आपने जो है वो ग्लोबल चीज समिट रखा था, गुरु जी यहाँ पर शामिल हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी जो है वो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है हमेशा, और ग्लोबल पीस समिट जो हमने रखा है हमको देश के अंदर एक शांति का वातावरण निर्माण करना है, भाईचारे का वातावरण निर्माण करना है, जो हिंदू मुस्लिम के तौर पे जो आए दिन हमारे देश के अंदर आप लोग केसेस सुनते होंगे, ये केसेस को कहीं तो जाके स्टॉप करवाना, क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, इनको किसी भी समाज से किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको तो सिर्फ अपना परिवार अपने देश को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन जो बेरोजगार है वो लोग ज्यादातर ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करते हैं और उसके वजह से ये सब इशू हमारे देश के अंदर आता है। इसके अलावा आज आपने टोल फ्री नंबर भी जो है वो इशू किया है, वो किस तरह से काम करने वाला है, क्या है टोल फ्री नंबर, वो भी जरूर चाहिए। टोल फ्री नंबर हमारा बहुत दिन से चाहत थी, हमारी बहुत दिनों से इसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल टोल फ्री नंबर लॉन्च करेंगे, लेकिन आज वो घड़ी आ गई, आज हमने टोल फ्री नंबर लॉन्च किया। टोल फ्री नंबर है जो बहुत सारे लोगों को नंबर याद नहीं होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैलेंस भी नहीं है, वो गरीब लोग हैं या फिर नंबर याद नहीं किसी हेल्पलाइन नंबर के तौर पर, तो ईजी नंबर टोल फ्री नंबर हम प्रोवाइड करने का कोशिश किया, जिसके माध्यम से 24 घंटा हमारी टीम बैठ के कॉल रिसीव करेगी और पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। ये किस तरह से काम करने वाले हैं और इससे बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं? जी ये तो एकदम टोल फ्री नंबर जैसा आपने मोबाइल से डायल करते हैं उस टाइप से नॉर्मल कॉल मोबाइल नंबर रहेगा, लेकिन टोल फ्री नंबर रहेगा 11 डिजिट का। तो ये जो है हमारे पास कॉल आएगा, हमारी टीम बैठी रहेगी बैकएंड में, उनकी प्रॉब्लम सुनेगी और उससे रिलेटेड जो भी हमारी लीगल टीम रहेगी या इन्फॉर्मेशन वाली टीम रहेगी उनको प्रोवाइड करके उनकी मदद की जाएगी। दर्शकों को बताना चाहे अगर आप टोल फ्री नंबर तो जी क्या नंबर है क्या बताना चाहिए? 1800-120-15815। आपने बताया कि ये निशुल्क रहने वाला है? बिल्कुल निशुल्क, तो किसी प्रकार का कोई चार्जेस कोई भी चार्जेस नहीं, ये कस्टमर को या किसी मेंबर को देना नहीं है, और उसका जो चार्जेस जो भी रहेगा ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया खुद पेड करेगी। ठीक है, इसके अलावा आज ये जो फाउंडेशन दिवस आप मना रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और उनके बारे में क्या? बहुत खुशी की बात है, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे इतने महान लोग दिए जो देश के हर कोने कोने से, मैं कहूँगा कि भाई ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ से लोग नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, आसाम से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, लगभग राजस्थान या मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं।